नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और यह है मेरा इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू डंकी। दो साल पहले जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तो सब टाइटल को लेकर कंफ्यूज थे। शायद इसीलिए शाहरुख खान ने जब फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया तब सिर्फ टाइटल पर फोकस किया। पंजाब में जो इंसान एक जगह से दूसरी और फिर तीसरी जगह भटकते रहते हैं उन्हें डंकी कहते हैं, और इलीगल इमिग्रेशन में एक तरकीब है जिसे डोंकी फ्लाइट्स कहते हैं। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी पंजाब में बसे चार दोस्तों की कहानी है। बल्ली यानी अनिल ग्रोवर, बुकू, विक्रम कोचर, मन्नू तापसी पन्नू और हाडी सिंह यानी शाहरुख खान। बल्ली, बुकू और मन्नू लंबे अरसे से लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर उन्हें वीज़ा नहीं मिलता। तब जुगाड़ू बमन ईरानी उन्हें इलीगल तरीके से सरहद पार करवाते हैं। ऐसा पावरफुल सब्जेक्ट को हमें झंझोड़ के रख देना चाहिए था मगर ऐसा नहीं होता, और इसकी कई वजह है। एक, फिल्म की पेस बहुत ही ज्यादा धीरे धीमे चलती है कहानी। द नैरेटिव इज इनकंसिस्टेंट एंड अनएंगेजिंग। टू, प्लॉट का फोकस, लाखों लोग सालों से इलीगल तरीके से सरहद पार करते हैं। इनमें से कुछ लोग रास्ते में मारे जाते हैं और कुछ लोग जो पहुंच पाते हैं अपनी मंजिल तक वो कभी घर लौटकर वापस नहीं आते। हम ये चंद लोगों इमिग्रेंट्स की दुख भरी दास्तान सुनना चाहते थे, उनका साहस, संघर्ष, उनके हार्ट ब्रेक्स, उनकी लोनलीनेस। उसके बदले हमें मिलती है एक लैकलस्टर प्रेम कहानी। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपने लंबे करियर में बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की है और बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की है, जिनमें है मुन्ना भाई फ्रेंचाइज, थ्री इडियट्स, पीके, संजू, यानी सारी बेहतरीन फिल्में। इस बार डंकी डज नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। न इसमें ड्रामा है, न थ्रिल है, न हार्ट ब्रेक्स है, न कन्विंसिंग रोमांस है, एंड देर इज नो केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पेयर शाहरुख खान एंड तापसी पन्नू, एंड नो स्पार्कलिंग परफॉर्मेंसेस। विकी कौशल इन अ केमियो एज सुखी एंड देवेन भोजवानी एज लॉयर आर कन्विंसिंग। तापसी पन्नू शायद पहली बार डिसअपॉइंटिंग है और शाहरुख खान शायद पहली बार लड़की के प्यार में नहीं लगते हैं। फिल्म का प्लस, फिल्म का सब्जेक्ट, संदेश, नियत और संगीत, कुछ गाने बहुत अच्छे हैं। मैं भावना सुमाया डंकी को बिग रेटिंग्स देती हूँ, 3 स्टार्स।